नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 42 ईयर्स एक मैन का, और इनका जो मेन सवाल है इनके शादी के लेके, शादी के लेके क्या सवाल है कि इनके अभी एक किसी के साथ रिलेशनशिप है, लव मैरिज होने मतलब ये करने की ये इच्छा रखते हैं, लेकिन इनके घर वाले अरेंज मैरिज करवाना चाहती है। तो इनका जो मेन सवाल है कौन सा रिलेशनशिप इनके लिए अच्छा होगा, या फिर कौन सी मैरिज इनकी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इस पाम को एनालिसिस से पहले हम लोग कल एक पाम एनालिसिस कर चुके थे, उसकी ओर थोड़ा चलते हैं। वो जाने की ज़रूरत है इस पाम की एनालिसिस से, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। कल एक पाम मैंने एनालिसिस किया था, 34 एज का एक फीमेल पाम थी। यहाँ पे यंग मेल मैन लिखा हुआ है, वो मैंने नरेशन वहाँ पे भी चेंज कर दिया है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो में मैंने कहा था इनको इनका पाम देख के कि इनके अभी अभी शादी के इंडिकेशन है, मतलब अभी इनकी शादी हो जाएगी, और वो शादी कैसी रहेगी अगर कोई रिलेशनशिप इनके बहुत पुराना या गहरा रिलेशनशिप टूट चुका है, तो इनके जो अभी शादी होगी वो अच्छी रहेगी, अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनके रिलेशनशिप ख़राब रहने के चांसेस है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हाँ मेरी एक 7 साल पुराना रिलेशनशिप थी जो टूट चुकी है। तो मतलब 7 साल पुराना किसी के साथ अगर रिलेशनशिप रहे आपके, बाद में जाके वो टूट जाए, तो उसे डाइवोर्स ही मानिए, लीगल डाइवोर्स ही मानिए, क्योंकि 7 साल का रिलेशनशिप कोई छोटा मोटा इंडिकेशन नहीं रहती है, बहुत बड़ी इंडिकेशन रहती है। पाम में कभी भी मैरिज लाइन, जो हम लोग बोलते हैं मैरिज लाइन, एक्चुअल वो मैरिज नहीं है, मतलब जो सोशल मैरिज होते हैं उसका लाइन नहीं है, वो लाइन है कि हम किसी के साथ एक साथ रहते हैं लाइफ पार्टनर बन के, चाहे वो शादी करके रहिए बिना शादी के रहिए, क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसी जीव है जिनके शादी होती है। नेचर में हर जीव एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में ही रहती है, तो उसी के हिसाब से रिलेशनशिप किसी के साथ हम अगर जिस दिन से रहना शुरू करते हैं, जिस दिन से उनका हमारा रिलेशनशिप बनती है, उसी टाइम से ही हम लोगों की वो पाम में लाइन भी रहती है, वो लाइन वही रिलेशनशिप की इंडिकेशन करती है। चाहे आप सोशल में आप शादी करें, कोर्ट मैरिज करें या फिर ना करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी के साथ हैं तो आप उसी तरीके से मैरिज लाइन से एक ही कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका राइट रिजल्ट निकल जाएगी। तो इनके तो पाम में डाइवोर्स का कनेक्शन था, और इनके 7 साल पुराना एक रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो गया था, तो अभी जो इनकी शादी होगी वो ठीक रहेगी। इसकी ये ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को ये पाम में एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए इनके पाम में चलते हैं, इनके पाम अगर देखें हम लोग मैरिज वाली इंडिकेशन में, तो देखते हैं कि हम लोग के ऊपर में 2 लाइन बहुत ही लेट इनके पाम में शुरू हो रही है, और इसमें कोई हमें खराबी नहीं दिख रही है। एक बहुत हल्का सा नीचे लाइन था, उसका भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो उम्र बहुत दिन पहले बीत चुकी है। तो ये जो 2 लाइन है ये क्लियरली यही शो कर रही है कि मैरिज लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्टर्बेंस फ्री है, मतलब इनके जो अभी जो रिलेशनशिप चल रही है लव, अगर उसे ख़त्म करके इसे अरेंज मैरिज के लिए जाना है तो ये रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन बनती है, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत गहरी है तो ही ये एप्लीकेबल रहेगी, मतलब आपके जिसके साथ अभी रिलेशनशिप है अगर वो बहुत ही गहरी है तो ही ये मेरी जो मैं कह रहा हूँ वो एप्लीकेबल होगी। सिर्फ फ़ोन में बात होती रहती है, 2-3 दिन हम लोग घूमने गए, फिल्म देखने गए, दोस्त की तरह रह रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही गहरी है, पति पत्नी जैसा गहरा है, तो आपकी ये रिलेशनशिप नहीं टूटेगी, आपकी लव मैरिज ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब दिख नहीं रही है कि ये जो रिलेशनशिप एग्जिट चल रही है वो टूट जाए, ऐसी कोई ख़राब साइन इंडिकेशन आपकी पाम में नहीं है। अगर रिलेशनशिप गहरा है तो आपका लव मैरिज ही होगा, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका मतलब आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये टूटेगी नहीं, तो अरेंज मैरिज की वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर रिलेशनशिप बहुत हल्का है, आप सिर्फ दोस्त की तरह मिलते हैं, तो कुछ भी हो सकती है, उसका मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊँगा। तो यही रही आपके पाम में लव मैरिज होने के चांसेस, ही हमें यहाँ से ज़्यादा मिल रही है, जो मतलब मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी को कंटिन्यू करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये रही आपकी मैरिज की
प्रिडिक्शन अभी इसी एज में हो जाएगी, 42 के करीब ही वो लाइन है, 41-42 के करीब ही वो लाइन है, तो उसके लिए देर नहीं होगी, एक साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और शादी भी अच्छी रहेगी। चाहे अगर वो रिलेशनशिप गहरा रहेगा तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी में आपको शादी हो जाएगी। तो और रही आपकी मिले रिलेशनशिप की लाइन और उसकी एनालिसिस। अभी आपके पाम की एक बार जनरल लुक ले लेते हैं कि क्या है इस पाम में। अगर इस पाम को देखें, बहुत ही फैला हुआ पाम है, हर एक माउंड बाहर की तरफ निकल रही है। इस पाम इस तरह से अगर बेंट होते हैं पाम दूसरी तरफ, अगर हम पाम को फैलाए और वो पीछे की तरफ मुड़ जाए तो वो माउंड सारे फैल जाते हैं और उस पाम में वो माउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो इस पाम में भी देखिए, जैसे कि पीछे की तरफ इस तरह से झुक रही है पूरा पाम, फिंगर वगैरह देख लीजिए कि आपको लगेगा कि माउंट उभरा हुआ है, जैसे उभर के फिंगर को पीछे धकेल रही है ये सारे फिंगर को। इस तरह के पाम का बहुत ही मजबूत होती है माउंट की पावर, मतलब ऊपर का माउंट का पावर इन लोगों को बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है फिंगर को पीछे धकेलने के कारण। इसलिए इन लोगों की ऊपर का माउंट भी हमेशा फैला हुआ देखेंगे और ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं इसके कारण। ऊपर का माउंट जगह मिल जाने के लिए, ज़्यादा मिल जाने के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर रहेंगे। और 42 इयर्स एज है तो अभी भी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर होंगे। कलर भी अच्छी है पाम की। फिंगर को अगर देखें तो छोटी फिंगर लंबी है और क्रॉक है, लंबी है, इसके कारण आपके कम्युनिकेशन पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्रॉक है, आप किसी ना किसी काम में माहिर होंगे, स्पेशलिस्ट ज़रूर होंगे, आप अपने काम में ज़रूर स्पेशलिस्ट होंगे। सन की फिंगर, सन की फिंगर नॉर्मल है, जुपिटर की फिंगर क्रॉक है, थंब भी काफ़ी लंबी है और आपकी जो फेथ लाइन है वो इस तरह से जुपिटर की माउंट की तरफ आ रही है। तो आइदर आप मैनेजरियल लेवल के काम करते हैं, किसी टीम को लीड करते हैं, अपने एक टीम को चलाते हैं, ये वो आपका बिजनेस भी हो सकती है, बिजनेस में आप लीड कर रहे हैं और आपके अंडर बहुत सारे कर्मचारी है जिसको आपको लीड करना पड़ रहा है और आप बेहतरीन तरीके से उसे कर भी पा रहे हैं। दूसरी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मिनिमम मैनेजरियल लेवल में की तो जॉब आप कर ही रहे हैं, ऐसी बढ़िया फार्म और ये सारे लीडरशिप इंडिकेशन के साथ आप मिनिमम मैनेजरियल लेवल के तो काम ज़रूर करेंगे, ऊपर का काम भी कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी का काम भी आप करने के काबिल ज़रूर हैं। तो उस तरीके का भी आप काम इसी प्रेजेंट एज में ज़रूर कर सकते हैं। अगर मरकरी को माउंट को देखो तो इस फार्म में बहुत ज़्यादा कुछ साइन वगैरह यहाँ से हमें नहीं मिल रही। मरकरी माउंट देखे तो ठीक है, फैला हुआ है, अपने एनालिसिस पावर अच्छी है, मरकरी की लाइन भी है। तो अगर आगे चल के बिज़नेस करना चाहते हैं आप, जो आपकी पाम में दिख रही है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इसके कारण अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आपको बिज़नेस करने के भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। अगर आप बिज़नेस ही कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा बिज़नेस, मतलब एक बिज़नेस से दो बिज़नेस करने के आइडिया भी आते रहेंगे। जो भी बिज़नेस कीजिएगा, बात का जो बिज़नेस आएगा उसमें थोड़ी 3-4 साल की आपकी स्ट्रगल ज़रूर रहेगी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी आप नया काम शुरू करेंगे आगे चल के, माइंड लाइन से ये लग रही है कि नया काम भी आप शुरू करेंगे, एक ही काम में आप रुकेंगे नहीं, 2-3 तरीके का काम करने की आप में आदत है। तो जो भी काम आप नया करेंगे उसमें आपको 3-4 साल की एक स्ट्रगल पीरियड रहेगी, उसे घबराइएगा मत। वो स्ट्रगल पीरियड कवर करने के बाद ही वो प्रॉफिटेबल होगा वो बिज़नेस। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नया काम शुरू करेंगे उसमें अगर लॉस होता रहे तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा बिज़नेस करने का, लेकिन बंद मत कीजिएगा, आगे चल के वो आपको ज़रूर सक्सेस देगा। अगर आपकी सन माउंट देखें तो बहुत ही हल्का पिक्चर है, लेकिन हमें यहाँ पे एक क्रॉस दिख रही है, तो इस तरीके का एक स्क्वायर दिख रही है। स्क्वायर साइन अगर आ जाए, ये कुछ काइट जैसी भी दिख रही है और कुछ स्क्वायर भी दिख रही है, तो स्क्वायर को ही लेकर चलते हैं कि आपका कामकाज फैला हुआ ज़रूर रहेगा, बहुत दूर तक आपका कामकाज फैलेगा ज़रूर, उस तरीके का काम आप ज़रूर करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा, कभी भी आपकी रिस्पेक्ट में कभी भी किसी भी तरह का लिटिगेशन या कमी नहीं आएगी। दूसरी, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिखा रही है कि आप में बहुत ज़्यादा एसेट बनाने के या पाने के काबिलियत है। ये ट्रायंगल भी बन रही है, स्क्वायर भी बन रही है, दोनों तरफ से अगर ट्रायंगल हो सन माउंट पे, एक ऊपर का और एक नीचे में हार्ट लाइन में, तो एक स्क्वायर शेप बनती है। ना भी बने, दोनों अलग अलग भी हो तो भी वो वही एक शेप बनती है, जो बोथ साइड ट्रायंगल हो, तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट रहते हैं। तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट की इंडिकेशन आपकी पाम में हमें दिख रही है। फिक्स्ड एसेट मतलब ज़मीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, आपका घर हो सकती है, बड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई फिक्स्ड मनी रह सकती है, जो भी है फिक्स्ड
वो सारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं जो जिनका क्वांटिटी आपके बहुत ज़्यादा है, आपके पाम्स में दिख रही है। सटन अमाउंट ठीक ठाक है, सटन में ऐसी कोई हल्की खड़ी लाइन नहीं है, सिर्फ फेथ लाइन ही है जो डायरेक्ट जुपिटर की अमाउंट पर जा रही है, जिसके कारण आप बहुत बड़े पोस्ट पे काम करेंगे, चाहे वो अपने खुद के बिजनेस हो, वहाँ पे तो आप टॉप ही रहेंगे। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़े पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे या पहुँच चुके हैं। जुपिटर माउंट भी आपकी ठीक ठाक है और वो फिथ लाइन को सपोर्ट दे रही है, तो वो भी काम में आपकी तरक्की देगी और दिन ब दिन आपकी कामकाज अच्छी तरह से बढ़ती रहेगी, आपकी कोई भी कामकाज में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। हाँ, नया चीज़ शुरू करने में कुछ दिन का सिर्फ स्ट्रगल रहेगी। मार्स माउंट बहुत बेहतरीन है, ये दिखाती है आप फील्ड वर्क में बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का फील्ड वर्क हो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, मतलब अगर आप मार्केटिंग का काम खुद करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मीटिंग वगैरह अगर हो किसी क्लाइंट के साथ, वो भी आपको ही खुद को करना है, क्योंकि आपके छोटी जो फिंगर है, लिटिल फिंगर, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये वाली फिंगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है कम्युनिकेशन में, आपके मैग्नेटिक एटीट्यूड रहेगा, दूसरों के साथ जब बात करेंगे दूसरों को भी अच्छा लगेगा आपके साथ बातें करने में। तो ये सारे जो भी मीटिंग वगैरह होगी या फिर डील के लिए जाना पड़े या फिर आपको मार्केटिंग के लिए जाना पड़े, खुद जाइएगा, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वीनस माउंट भी पावरफुल है, वीनस माउंट पावरफुल होने के और मार्स माउंट को भी ज़्यादा जगह मिलने के कारण आप में एनर्जी बहुत रहेगी, आप दिन में 10-12 घंटे इजीली काम कर पाएंगे और आप में थकावट भी नहीं आएगी। वीनस माउंट पावरफुल होने के कारण आप में बेड कम्फर्ट भी अच्छी रहेगी और शादी भी ठीक ठाक ही रहेगी, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। शादी के बाद जो रिलेशनशिप रहती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं रहेगी, वो आपकी ठीक ठाक है। 42 ईयर्स एज है, थोड़ी देर हो गई आपकी, लेकिन घबराइए मत, आपकी वीनस माउंट काफ़ी अच्छी है और पावरफुल है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मून माउंट भी आपकी बढ़िया है, आपकी सारे के सारे माउंट एक बैलेंस तरीके से चल रही है, चौड़ा पाम है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पाम है और सारे के सारे माउंट उभरा हुआ है। फेथ लाइन भी मून माउंट से निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है, मेन मून से ये जुपिटर के कनेक्शन होने वाली लाइन को गच के श्री जोग कहते हैं। ये मून से अगर जुपिटर की कोई कनेक्शन बनती है, चाहे वो हॉरोस्कोप में बने या फिर पाम में बने, इसको गच के श्री जोग कहते हैं। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा पैसे बनते हैं मैरिज के, शादी के बाद, रिलेशनशिप के बाद, किसी के साथ रिलेशनशिप होने के बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा तरक्की होती रहती है, चाहे वो शादी हो या फिर बहुत गहरा लव रिलेशनशिप हो, जो जिस तरह से भी हो, रिलेशनशिप होने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की होती रहती है ज़िंदगी में। ये सारे इंडिकेशन आपके पाम में हमें दिख रही है। हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह से चल रही है और जुपिटर की मिडिल में आके ख़त्म हो रही है। ये इंडिकेशन दिखाती है कि पैसे के मामले में आपको थोड़ा संभाल के रहना है, दूसरों के ऊपर आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं करने हैं पैसे के मामले में, वरना नुकसान हो सकती है, चाहे वो उधार मांगे या फिर आपको कोई पैसे किसी के दूसरे रिस्क में डालना पड़े, उसके लिए थोड़ा संभाल के रहिएगा। ये कंडीशन दिखाती है, अगर ब्लाइंडली किसी के ऊपर फिनंशियली बिलीव करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकती है। माइन लाइन सीधी है, बहुत ही पावरफुल है, पहले हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि इनकी लेंथ अच्छी खासी है, तो नया काम शुरू करने में स्ट्रगल रहेगी। जॉब कर रहे हैं तो जॉब ही कंटिन्यू कीजिएगा, उसके साथ बिजनेस भी करेंगे आगे चल के, और बिजनेस जब करेंगे उसमें थोड़ी बहुत टाइम पीरियड के लिए स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद उसमें सक्सेस आएगी। लाइफ लाइन ठीक ठाक है, दो असेंडिंग लाइन आपकी लाइफ लाइन से दिख रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर एज कैलकुलेशन करें हम लोग तो हमें दिख रही है एग्जैक्टली 42 ईयर्स एज, जब ही अभी इनकी अभी एज चल रही है, एक तो बीत चुकी है करीब करीब 35 के करीब, 35 ही होगी, देख लेते हैं एक बार, जी हाँ 35-34 के करीब ही एक लाइन बीत चुकी है। 34-35 में एक पोर्शन या इंक्रीमेंट या फिर कुछ भी नया अच्छा आपका हो चुका है कैरियर में, और एक अभी होगी, हो भी सकती है कि हो ऑलरेडी हो चुकी है या फिर होने वाली हो, जो भी होगी इसी एज के पीरियड में हमें दिख रही है कि आपके बेहतरीन कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो चुका है बेहतरीन आपके कैरियर में तो हमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वो हमें दिखाने की ज़रूरत होती है जो हम लोग की दर्शकगण रहते हैं। अगर नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द होगी, होने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये अभी आपके करंट एज में आपकी बहुत बढ़िया कुछ होने वाली है आपके कैरियर में, और आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम या कुछ स्पेशल कुछ बोलने वाली आपकी नहीं है, दिख नहीं रही है आपकी लाइफ लाइन में। यहाँ पे देखें तो लग रही है कि ये एक साइन बन रही है जो
ट्रायंगल साइन बने, फिश साइन बने, स्क्वायर बने, कुछ भी बने, अगर केतु माउंट में लाइफ लाइन के नीचे बनती है तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रहते हैं, पैसे भी अच्छे खासे रहते हैं उस टाइम पीरियड में, और लाइफ सुकून भरी लाइफ आप लोगों की रिटायरमेंट की जो एज है सुकून भरी लाइफ आपकी बीतती रहती है। आपकी फेथ लाइन कैसी है? आपकी फेथ लाइन नीचे देखेंगे तो करीब करीब 30 साल तक यह हल्की थी, 30 ईयर्स एज के करीब तक यह हल्की थी उस टाइम पीरियड तक। आप जितने भी कोशिश किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला, लेकिन कोशिश आपने किया, काम भी किया, थोड़ा बहुत पैसे भी कमाए और कमाए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस आपके पाम में देख लीजिएगा 31 ईयर्स एज से या 30 के बाद आपको सक्सेस दिलाता रहा बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको 30 के बाद सक्सेस मिलती रही जो आज भी चल रही है और आगे भी चलता रहेगा। आपकी फेथ लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 30 तक प्रॉब्लम थी, हल्की थी। उस पीरियड में आपने बहुत मेहनत किए होंगे, थोड़ी बहुत पैसे भी कमाए होंगे और बहुत ज़्यादा कमाए होंगे एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस ख़राब फेथ लाइन की एक्सपीरियंस ही अच्छी फेथ लाइन में कन्वर्ट होती है पैसे के मामले में। तो अभी आपके पैसे हो रहे हैं और आगे भी ज़रूर होगा। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, और बहुत कुछ बोलने वाली इस पाम में नहीं है। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपको भी खुद का पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के कॉल कीजिएगा।